हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज सैटरडे वीकेंड पे मोस्टली यहाँ पे जो है ना स्पोर्ट्स वगैरह का सीन होता है। पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो डी बुक के अंदर नहीं खेलते, वो डामस्टर्ड के अंदर खेलते हैं। डामस्टर्ड यहाँ से 20-25 मिनट दूर है। तो होपफुली आज शायद क्रिकेट का सीन हो, तो मैं आप लोगों को भी साथ लेके चलूँगा। अभी मेरी सुबह हुई है। सबसे पहले मुझे ब्रेकफास्ट बनाना, अभी हमारे पास 1 घंटा है, तो पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और उसके बाद देखूंगा क्रिकेट का अगर सीन हुआ तो फिर क्रिकेट खेलने चलेंगे। बाय द वे, आज यार मौसम बड़ा सेक्सी हो रहा है। कल काफ़ी ज़्यादा धूप थी। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ का मौसम बस ऐसा ही है लेकिन अगर बारिश हो गई तो क्रिकेट का सीन ऑफ हो जाएगा। खैर, चलो पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। हमारे मसाले जाते हैं। ये अबीर भाई, ये गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो हम थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे अपने अंडे पे। अंडा हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा मैंने नक्शा बिगाड़ दिया अंडे का, अंडे शरीफ हमारे। ओके जी, तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं, उसके बाद जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर तैयार होना है, निकलना है भाई। मौसम वैसे क्या कह रहा है, लगता नहीं आज खेल पाएंगे। ओके जी, तो अंडा रेडी है और ये मेरा कॉफ़ी का मग है, इसमें मैं सब कुछ पी लेता हूँ। तो आज हम मैंगो शेक पियेंगे। बाय द वे, अबीर भाई चाय भी बना रहे हैं, तो थोड़ी सी चाय भी पी लेंगे। यार क्रिकेट वाला जो सीन था वो फिलहाल कैंसिल हो गया है क्योंकि डामस्टर्ड में हो रही है बारिश। अभी फिलहाल हम डामस्टर्ड ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ सामान वगैरह लेना है खाने वगैरह का। रात में खाने का जो सीन है वो साथ करेंगे हम दोस्त। और कल संडे है, कल भी सब कुछ बंद है और मंडे को पब्लिक हॉलीडे है जर्मनी के अंदर, तो इस वजह से भी आज सारा सामान लेना पड़ेगा। और मेरा एक और दोस्त है तैमूर, उसके साथ हम लोग जाएंगे डामस्टर्ड। मैं उससे भी मिलवाता हूँ आपको और वहाँ से हम लोग सामान लेंगे, चिकन वगैरह जो भी लेना है। हेलो जी। तो वालेकुम अस्सलाम। यार ये तैमूर है मेरे साथ एक्सपेंडेड मीडिया के अंदर। अभी हम लोग अबीर का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्टॉप है, वो सामने एच बना हुआ होगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरी एकोमोडेशन के बाहर का व्यू है। यहाँ पर भी एक स्टॉप है, अगर आप डामस्टर्ड जाना चाहते हैं, डीबुर्ग से बाहर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। और अगर आप डामस्टर्ड से डीबुर्ग आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको छोड़ देगी, अगर आप नौबिया में रहते हैं। लेकिन आज क्योंकि वीकेंड है तो यहाँ पे बस वगैरह में नहीं मिलती, हमें एक जगह जाना पड़ेगा फ्रीड ऑफ, वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से और हमारी बस से तकरीबन 10 मिनट बाद। अच्छा यार, सीन ये है कि वैसे तो मास्क यहाँ पे पब्लिकली आप ना भी पहने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना लाजमी है, तो ये सीन है। और कुछ खा भी नहीं सकते बस के अंदर। क्या मौसम हो रहा है ब्रो, क्या मौसम हो रहा है। खैर, आई थिंक डामस्टर्ड के अंदर हम लोगों को जो ना अभी बारिश मिलेगी। यहाँ पे भी बारिश हो रही थी लेकिन अभी थोड़ी सी देर हो गई है, बारिश थोड़ी सी रुक गई है। अच्छा जी, हम लोग अपने फीड ऑफ वाले स्टॉप पर आ गए हैं। ज़्यादा दूर नहीं है ये, तकरीबन 1 किलोमीटर तक है, तो 5-10 मिनट लगते हैं यहाँ पर पहुँचने में। भैया भैया ये सीन है। ओके, तो वो सामने स्टॉप है जहाँ से हमें मिलेगी हमारी बस डामस्टर्ड के लिए वीकेंड वाले दिन। और ये बिल्कुल रेनॉल्ट का शोरूम है यहाँ पे डीबर्ग के अंदर। और सामने आपको एक पेट्रोल पंप टाइप चीज़ दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, उसके बराबर में है मर्सिडीज़ बेंज का शोरूम। ओके जी, ये है फ्रीड ऑफ का स्टॉप, ठीक है। अगर आप डीबुक से बाहर जाते हैं तो यहाँ से बस मिलेगी, एक सामने स्टॉप है। अगर आप डीबुक आते हैं तो ये यहाँ पे छोड़ेगी। फ्रीड ऑफ बेसिकली एक कब्रिस्तान है, उसके नाम पे यहाँ पे स्टॉप है। ये रेनॉल्ट का शोरूम है और ये एक छोटा सा सुपरमार्केट है। ओके जी, हमारी बस आ गई है 671 डामस्टर्ड हॉबन ऑफ ऊपर। मर्सिडीज़ बेंज का सर्विस सेंटर भी कह सकते हैं और शोरूम भी कह सकते हैं, छोटू सा।
एम्स्टर्डम में काफी बड़ा है। ओके जी, तो ये है ल्यूजन प्लाट्स। यहाँ पे पीछे आपको एक टावर टाइप चीज दिख रही होगी। ये है डामस्टर्ट का सिटी सेंटर और यहाँ पे हम उसकी बेसिकली आते हैं कुछ भी सामान लेने के लिए। यहाँ पे सारे मॉल और स्कूल वगैरह हैं और यहीं पर आपको लाइक हलाल चिकन और हलाल मीट वगैरह भी मिल जाएगा। अभी हम ल्यूजन प्लाट से जा रहे हैं श्लॉस पे, वहाँ कुछ काम है। श्लॉस से फिर हम शायद वापस ल्यूजन पे आएंगे। करीब ही सब कुछ और यहीं पे सारे स्टोर्स हैं। ये एक तरह से सिटी सेंटर है डामस्टर्ट। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे चलते चलते एप्पल स्टोर आ गए हैं आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स देखने के लिए। यहाँ पे सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बाय द वे, ये वाली मैकबुक आपके भाई के पास है और जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ये भी 12 है और मैंने फ्यूचर में प्लान किया है लेने का कुछ टाइम में, तो 12 एक्सचेंज भी हो सकता है बट आई डोंट थिंक मैं करवाऊँगा क्योंकि ये 256 GB है। तो सम टाइम्स इस पर भी ब्लॉगिंग होते रहेगी और इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद मैंने सोचा है कि 14 प्रो मैक्स लेने का। ये सी अच्छा जी, आपके भाई के पास जो अभी फ़ोन है ना, ये है आईफोन 12 और दो चीज़ें मैंने लेनी हैं। एक ये पोर्ट्स प्रो 3rd जनरेशन लेना है और ये 14 प्रो मैक्स पर्पल कलर, सतरंगी कलर ब्रो। लेकिन यार अभी ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इसको हम चेक करेंगे ब्लैक फ्राइडे में। अभी ये मिल रहा है 256 GB 1580 यूरो का, विच इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी ब्रो। अच्छा जी, डामस्टर्ट के अंदर कोई ऑफिशियल स्टोर नहीं है एज सच, जहाँ तक मुझे पता है। ये बेसिकली एक रीसेलर था जो कि आपको डिफरेंट सिटीज़ में भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर जैसे अगर आप डामस्टर्ट आते हो या डीपू का आते हो तो आप फ्रैंकफर्ट जाके ले सकते हो। फ्रैंकफर्ट के अंदर है ऑफिशियल स्टोर एप्पल का, तो होपफुली हम वहाँ पर भी जाएंगे विजिट करेंगे। लेकिन यार अभी जो प्राइजेस चल रहे हैं ना आईफोन के, वो बहुत ज़्यादा हैं। खैर अभी मैं खुश हूँ अपने आईफोन 12 के साथ, लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स इस क्रेजी। चलते हैं समोसे खाने, रुक जा। अच्छा जी, ये ल्यूजन प्लाट से हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए। ये एम्फी थिएटर है और इसके पीछे यहाँ पे एक म्यूजियम है बड़ा खूबसूरत सा। ओके जी, तो ये है डेनीज़ यहाँ डामस्टर्ट के अंदर। यहाँ पे आपको मोस्टली हलाल सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे सब कुछ हलाल मिलता है। तो चिकन वगैरह या मीट वगैरह आपको लेना हो तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। अभी हम भी ले रहे हैं जाके। अच्छा जी, यहाँ पे आपको चिकन बीफ मटन वगैरह मिल जाएगा। मैंने चिकन ले लिया है, हम लोगों ने बीफ भी लिया है और यहाँ पर आपको फ्रोज़न आइटम्स भी मिल जाएंगे। अब हम घर जाएँगे, घर जाके हमें खाना वगैरह पकाना है आज का, और हो सकता है रात में मूवी वगैरह का सीन हो। तो अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मिलता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हसन शेख साइनिंग ऑफ, पीस आउट। अच्छा जी, ये डामस्टर्ट की कोर्ट है, कोरट, और इसका आप तराजू देख सकते हैं, इक्वल है। हमारे ऊपर नीचे होता है। फ़र्क है ब्रो, फ़र्क है।